तो चलिए आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे आस्था के सावन की। भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना सावन आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही महादेव के दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। बिल्कुल, और सावन के रंग में शिव भक्तों का संसार सराबोर है। हर तरफ बोलबम की गूंज है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जहां शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है। और गुड न्यूज ये है कि अब पहले की तरह भीड़ की समस्या नहीं होगी, क्योंकि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट व्यवस्था की गई है। ये तरंग, ये उमंग, ये उल्लास सावन की रौनक में चार चांद लगा रहा है। भोले के भक्त महादेव की भक्ति से सराबोर है। पूरे दो साल बाद देश में सावन पर ऐसी रौनक दिखाई दे रही है। हर तरफ हर्षोल्लास है, बम बम भोले का जयकारा है। काशी हो, उज्जैन हो, लखनऊ, कानपुर, राजधानी दिल्ली हो, प्रयागराज हो या फिर होशियारपुर हो, इस सावन महादेव की भक्ति ने मानो पूरे देश को एक रंग में रंग दिया है। अब बाबा बैद्यनाथ के दरबार की रौनक देखिए। बाबा के इस धाम में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। सावन के महीने में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने को बेताब है। सावन के रंग में सराबोर कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम आने के लिए उमंग से भरा है। आस्था के रंग में रंगे कांवड़ियों के दिल में बाबा की अपार शक्ति है। धाम तक पहुंचने की लालसा है श्रद्धालुओं में, सावन की उमंग है। कांवड़ियों के बाबा धाम पहुंचने की शुरुआत आज से हो चुकी है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। बाबा बैद्यनाथ धाम की एक झलक पाने वालों में खुशी की लहर है, क्योंकि भक्तों को पता है कि अब बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ जैसी कोई समस्या नहीं, बल्कि दुरुस्त व्यवस्था है। बाबा धाम में दर्शन के लिए हाईटेक प्रबंध है। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। गुड न्यूज ये है कि अब मेट्रो ट्रेन के कार्ड की तर्ज पर यहां दर्शन के लिए भी स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सुलभ हों। शीघ्र दर्शन के लिए पहले दो काउंटर बने थे, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 8 नए काउंटर बनवाए गए हैं। आम दिनों में शीघ्र दर्शन के टिकट की कीमत 250 रुपए निर्धारित थी, लेकिन सावन के महीने में इस टिकट की कीमत 500 रुपए है। सभी तरह की वीआईपी, वीवीआईपी पूजा, बिना लाइन वालों के लिए दर्शन की कोई इजाजत नहीं। किसी को सावन महीने में वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था है। मंदिर परिसर के बाहर बनाए गए इस हाईटेक काउंटर में प्रवेश करना तभी आसान होगा जब कार्ड स्कैन होगा। अब हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। शीघ्र दर्शन स्मार्ट कार्ड को स्कैन करने के बाद श्रद्धालु सीधे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर पाएंगे। दो साल बाद लगने वाले मेले को लेकर तैयारी दुरुस्त है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर वक्त बाबा का जलाभिषेक और ध्यान कर सके। कहते हैं जिस भक्त ने सावन में पूरे मनोयोग से बाबा बैद्यनाथ की आराधना कर ली, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। वैसे सावन में भक्तों का उत्साह हर मंदिर में दिखाई दे रहा है, लेकिन भोलेनाथ के धाम की रौनक ही अलग है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन तो आपने कर लिए, अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर लिए चलते हैं, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी। और सुबह से ही लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे हैं हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। केवल काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरी काशी में बम बम भोले के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा का पूरा वातावरण शिवमय हो गया और काशी के घर घर में हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क से लेकर मंदिर परिसर तक भारी संख्या में, भारी तादाद में भक्त फूल, प्रसाद, दूध और गंगा जल लेकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। Let's go.
आस्था की डुबकी, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन। सावन के पावन महीने में वाराणसी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले दिन दशाश्वमेध घाट पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी। गंगा में डुबकी लगाने वालों के बाद लोग सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। नया कॉरिडोर बनने से भक्तों को बड़ी आसानी से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हम तो बड़ी खुशकिस्मत है कि आज ऐसा ही आ गया, श्रावण आज शुरू हो गया। ऐसा देखे तो बहुत भीड़ तो बड़ी लगी है, मगर स्वामी के दया से जल्दी ही दर्शन होगा। स्वामी से हर मन्नत इधर पूरा होगा। सावन का महीने का लगभग हम लोग हर साल बहुत मतलब उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, हम उड़ीसा से बाय रोड चल के इस पहले दिन में यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मन में बहुत उत्सुकता है, बहुत भव्य माहौल है और लाखों भक्त बाबा का इंतजार कर रहे हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़, दूर दूर से भक्त यहां काशी विश्वनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, यहां खूब भीड़ लगी है, अच्छे से बढ़िया दर्शन हुए और यही लगता है कि बढ़िया सब कुछ अच्छे से हो। यही मांगे कि सब कोई अच्छे से रहे, बढ़िया भगवान अपनी भक्ति में लगाए रहे, यही मांगे। और यहाँ लाखों के संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, जनता माँ गंगा से आराधना करती है कि हमारा परिवार, हमारा देश, सब सभी लोग सुख शांति से रहे। बाबा के दर्शन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के द्वार पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इन तैयारियों का ही नतीजा है कि सावन की भीड़ के बावजूद लोगों को बड़ी आसानी से भगवान विश्वनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का। महाकाल मंदिर में भी सावन के पहले दिन की शुरुआत धूमधाम से हुई। देश भर से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आलम यह है कि बाबा का दरबार सुबह 3 बजे ही भक्तों के लिए खुल गया। देखिए, बाबा के दर्शन में हर कोई डूब जाता है जब भस्म आरती में पहुंचता है भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि कुछ विधि विधान बताए गए हैं जब महाकाल की भस्म आरती में आप पहुंचते हैं। खास बात यह है कि पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है। सावन का पहला दिन था तो लिहाजा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। देखिए, सावन का पहला दिन है, महाकाल में छाया भक्ति का उल्लास है। भस्म आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब है। भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ है। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल के दरबार में रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ की भस्म आरती तो हर दिन ही खास होती है, लेकिन सावन में इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज सावन के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भोले के भक्त गदगद हैं। भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरसी है कि श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भस्म आरती का ऐसा दर्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज पहला दिन था, बहुत भीड़ थी। सुबह के 1 बजे से हम लोग लगे हुए थे, 4 बजे फाइनली हमें जाके एंट्री मिली, लेकिन अंदर जाके मन बिल्कुल शांत हो गया। आज सावन का सबसे पहला दिन है और बाबा का इतना अच्छा पहला दर्शन, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। हमने इतना अच्छा दर्शन कभी सोचा ही नहीं था। हम ऐसे है, बाबा ने इतनी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद पाने की पूरी प्रक्रिया में सबसे खास होता है वो वक्त जब यहाँ होती है महाकाल की भस्म आरती। यूँ तो रोजाना मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं,
लेकिन सावन के पहले दिन इसे सुबह 3 बजे ही खोल दिया गया। रात से ही बाबा के दर्शन की बाट जो रहे श्रद्धालुओं की मुंह मांगी मुराद वक्त से पहले ही पूरी हो गई। पंडितों और पुजारियों ने महाकाल रूप में विराजे भगवान भोलेनाथ का दूध, घी, दही, शक्कर और शहद से पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार भी किया गया और इसके बाद शुरू हुई भस्म आरती। करीब 1 घंटे तक सभी पुजारियों ने मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भस्म आरती की और सभी भक्तों ने बाबा की दुर्लभ भस्म आरती का दर्शन पाया। 5 ही देवता हैं, गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी और भगवान स्वयं भोलेनाथ। सभी का पंचामृत स्नान संपन्न हुआ, भगवान का स्वयं का भी का पंचामृत स्नान और सभी रसों से भगवान का स्नान कराया गया, चंदन और भांग से श्रृंगारित किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है। साथ ही भस्म आरती की परंपरा के चलते इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कहते हैं जिसने सच्चे मन से इनके दर्शन पूजन कर लिए उसका बेड़ा पार है। कल्याण की यही कामना लेकर बाबा के दर पर भक्तों का रेला उमड़ता है। देश और विदेश से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। सावन के पावन महीने में महाकाल के दरबार की रौनक का तो कहना ही क्या, पूरे महीने ही दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। तो देश भर में कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उत्साह देखने वाला है। बिल्कुल शाह गुप्ता, देखिए कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने भी खास प्रबंध किए हैं। मुरादाबाद रेल मंडल में चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। 3 अतिरिक्त ट्रेनों को भी तैयार किया गया है। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और सावन शुरू होते ही आ जाती है कांवड़ियों की बहार। बम बम भोले के जयकारे के साथ सावन के महीने में शुरू हो जाती है कांवड़ यात्रा। इस बार कांवड़ यात्रा कोरोना काल के चलते 2 साल बाद शुरू हो रही है। यही वजह है कि इस बार कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। यही नहीं, इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकारें तमाम तरीके से व्यवस्थाएं कर रही हैं। मुरादाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे ने खास व्यवस्था की है। यहां से जाने वाली करीब 10 से 12 ट्रेनों में कांवड़ यात्रियों के लिए अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। साथ ही रेलगाड़ियों को हरिद्वार तक एक्सटेंड भी किया गया है। कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रेलवे ने 3 अतिरिक्त ट्रेनों को तैयार किया है ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के लिए हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ से ट्रेनें रेगुलर में आती हैं, तो 10 से 12 ट्रेनों में हम लोगों ने अतिरिक्त कोचों की डिमांड की है, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट रहेगी या जो अतिरिक्त पैसेंजर रहेंगे वो जा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली से एक शामली के लिए ट्रेन चलती है, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया हरिद्वार तक। वो अब शामली के बजाय हरिद्वार तक आएगी, यहाँ से फिर वापस जाएगी। इससे भी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, कांवड़ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने करीब 200 से 250 आरपीएफ के अतिरिक्त जवान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिए हैं। वहीं महिला बटालियन को भी रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। सुरक्षा पुख्ता रहे इसलिए सीसीटीवी सर्विलांस के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या का, जहां वार्षिक सरयू उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए प्रदेश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचे।
22 साल पहले गुरु पूर्णिमा के मौके पे अयोध्या में सरयू आरती की शुरुआत हुई थी और कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद इस साल सरयू आरती उत्सव को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जगमग दीपों के साथ सरयू तट पर भव्य आरती और मां सरयू की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें आई हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जहां 22वां सरयू वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी सरयू आरती में शामिल हुए और सरयू मां की आराधना की। वैसे तो हर रोज ही बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचते हैं और सरयू में स्नान कर पुण्य कमाते हैं, मगर मौका 22वें सरयू वार्षिक उत्सव का था तो लोगों का उत्साह भी देखते ही बना। वेद पुराणों में भी पवित्र सरयू नदी की महिमा का बखान है। इस पवित्र नदी में स्नान करने वाले और उसकी आरती में शामिल होने वाले लोग खुद को धन्य समझ रहे हैं। बहुत लोग जो भी भक्तजन यहाँ सरयू में आए हैं, सभी ने आज विधिवत रूप से अपना स्नान करने के बाद आज आरती में भाग लिया और आरती उतारी और उनका प्रसाद ग्रहण किया है। सभी भक्तजन बड़े प्रेम से, बड़े उदार पूर्वक आज प्रसन्न खुद मन हो गया इतनी भव्य आरती देख के सरयू के तट पे। साल 2000 में सरयू तट पर सरयू आरती की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक हर रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच सरयू जी की आरती धूमधाम से आयोजित की जाती है। अयोध्या की इस बदली तस्वीर को देखकर वहां के साधु संत भी बेहद खुश हैं। ये सरयू का किनारा है, ये है कि अस्मर्तांग पश्यतांग देव पाप नाशे पटिये, देवी जो आपका स्मरण करता है पाप नाश, पश्यतांग जो आपका दर्शन करता है पाप नाशे पटिये, उसके पाप को नष्ट करने में आप सरयू हैं। ऐसी माता का हर साल जो है यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। मौका बेहद खास था, इसलिए लोगों ने सरयू आरती के बाद आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा कई ऐसे विकास कार्य यहां चल रहे हैं जिनसे आने वाले दिनों में अयोध्या की भव्यता और दिव्यता को चार चांद लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक शेर सुनाते हैं। कौन सी बात कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब खबर बताती हूँ आपको। सांसदों के लिए उन शब्दों की सूची जारी कर दी गई है जिसे संसद में बोलना अब असंसदीय कहलाएगा। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है। तमाम शब्द जो राजनीति में खूब सुने और सुनाए जाते हैं उन शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की कैटेगरी में रखा गया है। इन शब्दों का इस्तेमाल अब सदन में असंसदीय कहलाएगा। अगर गलती से इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल कोई भी सांसद करता है तो वो सदन के रिकॉर्ड में नहीं होगा। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या फिर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है तो वो सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश भी दे सकते हैं। नियम ये भी है कि सदन की कार्यवाही जो हिस्सा हटाना होता है उसकी पहचान की जाती है और उस पर नोट लिखा जाता है कि ये वाक्य या ये शब्द अध्यक्ष के आदेश के बाद हटा दिया जाएगा। सियासत के मैदान से रुख करते हैं खेल के मैदान का और इस वक्त लॉर्ड्स में भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुड न्यूज ये है कि विराट कोहली आज के मैच में खेल रहे हैं। टीम इंडिया में महज एक बदलाव हुआ है, श्रेयस अय्यर की जगह विराट को शामिल किया गया है। मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। वेस्टइंडीज दौरे पर T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, उनके अलावा ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत,
हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, रवि विश्नोई, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह को टीम में जगह दी गई। खास बात यह है कि केएल राहुल और कुलदीप यादव की टीम में वापसी हो रही है। हालांकि इनकी फिटनेस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। बीसीसीआई के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, इसी के आधार पर इन्हें चुना जाएगा। वहीं विराट कोहली, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है। देखिए, वेस्टइंडीज में टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। 24, 22, 27 जुलाई को टीम इंडिया पहला, दूसरा और तीसरा वनडे खेलने जा रही है। लोकल ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सेंट्रल रेलवे ने एक खास तोहफा दिया है। सेंट्रल रेलवे ने इन यात्रियों के सफर को और आसान बनाने के लिए यात्री ऐप की शुरुआत की है। जी हाँ, जिसके जरिए यात्री पहली बार लोकल ट्रेनों की लाइव लोकेशन की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि अब तक 4.5 लाख से अधिक लोग पहले ही इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। चाहे देरी से चल रही हो मुंबई की लाइफलाइन या फिर रद्द हो गई हो मुंबई लोकल, लोकल ट्रेनों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे मुंबईकर। ये सब जानकारी अब से मुंबईकर अपने स्मार्टफोन पर हासिल कर पाएंगे और ये होगा एक ऐप के जरिए, जिसे सेंट्रल रेलवे ने इन नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, ताकि मुंबई की लोकल ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों का सफर और आसान हो सके। असल में मानसून के दिनों में अक्सर ट्रेन के कैंसिल होने या फिर बारिश की वजह से ट्रेनों के रुक जाने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सहूलियत के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये सरकार ने जनता के लिए अच्छा सोचा है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया ये यात्री ऐप पहला ऑफिशियल ऐप है जो हर 15 सेकंड्स पर अपडेट होता रहेगा और यात्री भी उसे मैनुअल रूप से रिफ्रेश कर सकते हैं। हाल ही में लाइव लोकेशन की फीचर उपलब्ध करा दिया गया है। मध्य रेल में जितनी भी सबर्बन लोकल्स चल रही हैं, सभी में जीपीएस डिवाइस प्रोवाइड किया गया है और वो जीपीएस डिवाइस इस ऐप से लिंक्ड है, तो उस जीपीएस डिवाइस के जरिए प्रत्येक ट्रेन की लोकेशन यात्री ऐप पर पता चल सकती है और इसमें जो मैप माई इंडिया का मैप है वो यूज किया गया है। लोकल ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन के अलावा इस पर ट्रेन किराए की जानकारी भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिससे लोकल ट्रेन में चलने वाले यात्रियों की यात्रा भविष्य में और सरल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश के बीच चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। बाढ़ की तस्वीरें भले ही भीतर खौफ पैदा करती हों, लेकिन इसी बाढ़ के बीच कई तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको फक्र महसूस कराती हैं और जीवन की अहमियत भी सिखाती है। एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई है, जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों के लिए जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए देवदूत बनकर पहुंची है और यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए बिना अपनी जान के परवाह किए। देखिए, हौसला बना के रखो, धुले आ गए, आराम से रहना, जगह पकड़ के रखो। इस तरह हौसला देने वाला न होता तो इस सैलाब के आगे जिंदगी हार मान जाती। ऐसे हिम्मत देने वालों का साथ न मिलता तो डूबते को सहारा न मिलता। वहीं पे हौसला बना के रखो, धुले आ गए, आराम से रहना, जगह पकड़ के रखो। महाराष्ट्र इस साल की सबसे खतरनाक बाढ़ से दो चार हो रहा है। यहाँ बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की हैं।
यहां पर एक युवक की जान बचाने के जद्दोजहद जारी है, जिसने जिंदगी की आस में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। रात भर फंसा एक पेड़ का किनारा थामे बस इस उम्मीद से भरा मिला कि उसकी जान बच जाएगी। एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई है। सैलाब के बीचों बीच फंसे युवक को भरोसा दिया जा रहा है कि उससे कुछ नहीं होने दिया जाएगा, उसकी जान बचा ली जाएगी। हिम्मत देने वाले भरोसा दे रहे हैं कि वो उसे सकुशल निकाल ले जाएंगे। वहीं पे रहो, हौसला बना के रखो। दूल्हे आ गए, आराम से रहना, वहीं पे जगह पकड़ के रखो। इस भरोसे के बाद एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा राहत फोर्स की टीम के सदस्य रस्सी लेकर बाढ़ के पानी में दाखिल होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग इस पेड़ तक पहुंचते हैं जहां एक शख्स पिछले कई घंटे से बाढ़ के पानी के बीच फंसा हुआ है। ये दीपक शर्मा नाम का रेलवे कर्मचारी है जो बाइक से जा रहा था। बाढ़ के पानी में बाइक बह गई। पेड़ का सहारा लेकर दीपक शर्मा ने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसे लाइफ जैकेट पहनाकर एक ट्यूब पर बैठाकर बचाया जाता है। एम्बुलेंस में ले जाते हैं, घर वालों से बात कराते हैं। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिछा दो सभी फूल राहों में उसके, वो सावन की रुत मिलने आने वाली है। तो सावन वाली चाय लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। जी हाँ, कीमत बारिश की कोई हमसे पूछे, सुबह ही चाय लेकर इंतजार में बैठ जाते हैं। चाय और बारिश का अपना ही मजा है ना। उम्मीद करते हैं ये सावन आपको भी भिगो जाए। शगुफ्ता, बारिश का सबसे ज्यादा इंतजार तो हमें ही लगता है ना, पर आप जानते हैं कि बारिश की अच्छी बात क्या है? हाँ, तुझे पता है बारिश जब जब हुआ करती है ना, तेरे मेरे रिश्ते को और भी सुहाना बना देती है। रोमिता, मुझे लगता है कि आपके मुंह पे शायरी अच्छी लगती है ना, और बस ये बोल देती है जैसे ही ना हम बात करते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे हमारा रिश्ता ऐसे ही सुहाना बना रहे। तो चलिए, कल फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे आपसे शाम 5 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।